नमस्कार, मैं रुचि, आप देख रहे हैं जन संदेश टाइम्स। मामला चित्रकूट जनपद के तहसील मऊ की ग्राम पंचायत सिकरो का है, जहां बीते दिनों संदिग्ध परिस्थितियों में सरसों के खेत में राम मिलन निषाद का शव मिला था। वहीं इस मामले में मृतक के परिजनों का आरोप है कि नामजद FIR करने के बावजूद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है। परिवार के लोगों का कहना है कि चार लोगों ने मिलकर हत्या की थी। पुलिस ने अभी तक किसी को थाने में नहीं बुलाया और ना ही पूछताछ की। पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक और जिला अधिकारी से जांच द्वारा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही। इस सिलसिले में पीड़ित परिवार ने मऊ कोतवाली का घेराव किया और थाना प्रभारी आनंद सिंह से अपराधियों को पकड़कर पूछताछ करने की गुहार लगाई। आइए हम आपको दिखाते हैं कि इस पूरी घटना को लेकर परिवार वालों का क्या कहना है। क्या नाम है आपका? राजेंद्र नाम है। कौन सा गांव है? हमारा चिल्ली काकस है। ये जो जिनको मारा गया है कौन है ये आपके? ये हमारे बहनों ही लगते हैं। तो क्या लगता है आपको, इनकी हत्या हुई है कि इनको इनकी ठंड से मृत्यु हुई है? इनकी हत्या हुई है। किस बेस पे आपको लगता है कि इनकी हत्या हुई? क्या इनके निशान क्या कुछ ऐसा कुछ था? हमको इस बेस में लगता है कि हत्या हुई है कि जब हम लोग देखे इनको तो गले में चोट थी, दोनों गले में। यहाँ पे सूजन आ गई थी गले में और थोड़ा आंख एक आंख गड़बड़ थी और पीछे पीठ में जो है कई निशान थे। अच्छा, मार के इतना हमने देखा। दूसरी बात यह है कि जब रात भाई मतलब यहाँ पे कोई पड़ा रहेगा, कहीं पे भी पड़ा रहेगा, रात भाई दो तीन दिन ये बता रहे हैं कि दो तीन दिन से लपाता था, तो यदि वो रात भर पड़ा रहेगा तो उसके कपड़े भीगे हुए होंगे ना। कोई कपड़े भीगे नहीं थे, वैसे सूखा था, एकदम पूरा कपड़े थे। सुबह जूता जो रखे गए थे, जूता बिल्कुल सूखे थे, साथ ही इनकी बिल्कुल सूखी थी और उनकी पोजीशन में जो रख गई थी एक भी कपड़ा गीले नहीं थे। अच्छा, आप लोग इतने लोग मिट्टी में आए हैं, आप सब लोगों को क्या लगता है कि ये ठंड के कारण मृत्यु हुई कि किसी ने मर्डर किया है इनका? क्या किए हैं? इनका मर्डर किया गया, मर्डर किया गया, मर्डर किया गया। ऐसे जैसे कहा जाता है अभी पेपर में। आप कल ये सिकरो में जो घटना हुई है, आपको क्या लगता है ठंड के कारण मृत्यु हुई है कि किसी ने उनकी हत्या की है? तो हत्या हत्या हुई है इनकी। हत्या किए हैं कि अपने ठंड से मर गए हैं? हत्या की गई है इनकी। अच्छा, किस आपको किस बेस पे लग रहा है कि इनकी हत्या की गई है? क्या मतलब उनके कहीं चोट के निशान थे कुछ, क्या ऐसा कुछ था क्या? अच्छा, एक आंख फोड़ दिए हैं, हाथ तोड़ दिए हैं, फांसी लगा के मारी। अच्छा, प्रधान के घर के पीछे रख के चले गए। अभी आप मऊ कोतवाली क्यों आए हैं इतने के तैदाद में, क्या समस्या है? इतनी समस्या है सर कि हमारे मर्डर हुए हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ आए हैं। कैसे, क्या घटना हुई थी? घटना हुई है कि 6 बजे 6:30 बजे के पास ले गए चुबादे नाम का, ले गए हैं, वो खवाए पियाए, रात में लेकर मार के लड़के को कर दिया है, बगल में। तो क्या हुआ, पोस्टमार्टम के लिए सौ को भेजा गया था ना? पोस्टमार्टम के लिए पहले दरोगा मऊ का आया कोतवाल की, कहीं की इसमें चोट बहुत लगी है। फिर जब आगे गए थे प्रधान लेवा लाए गए सरसों में, जहाँ से लहास उठाई गई, वो कह रहा है लौट के आया हमारी सास, कहीं की देखो सर चोट बहुत थी, तो वो कहीं की नहीं चोट नहीं है, कहीं देखा कि चोट को मारा। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया? रिपोर्ट में आया ठंडा निकलवा दिया भैया। अच्छा, ठंड लगने से मौत हुई है? मौत हुई। तो आप लोगों का क्या कहना है, ठंड से मौत हुई है कि मर्डर हुआ है? बेटा तुम घर पे थी, तुम्हारी शादी थी, तुम क्या कह रही हो? हमारी शादी 18 साल पापा का मनाई, हम कहते जाए थे, माँ कहते सुनवाई नहीं है, बड़े भगा दे थे पुलिस वाले। क्या कह रहे हैं? आते जाओ, हम नहीं कुछ सुनेंगे, कोरोना है। अच्छा, नहीं सुनाई हो रही है? कुछ नहीं सुनाई। तो क्या लगाओगे आप, न्याय की गुहार क्या लगाओगी, क्या कहोगी आप मीडिया के माध्यम से, क्या कहना चाहती हो? हमें
क्या कहना चाहिए? न्याय चाहिए। क्यों, क्या हुआ है? हमें पता है कौन कौन है, पापा को मारी नहीं, हमें सब पता है। पोस्टमार्टम में तो ठंड आ रही है, ठंड से तो पैसा दे दी नहीं सर, तो का हो ठंड तो निकालबे करी है। कौन पैसा दिया? जब पैसा दी नहीं तो ठंड से निकालबे करी है। अच्छा, तुम्हें अभी न्याय पे विश्वास नहीं है कि जो ठंड रिपोर्ट आई है डॉक्टर के द्वारा उस पे विश्वास नहीं है? नहीं, पैसा साहब सकल पैसा दी तब तो हमारी सुनवाई नहीं है। अच्छा, आँख हाथ फिर टूटा था, ऐसे कैसे मान ले कि ठंड से मर गया? आँख फूटी थी। हाँ। क्या नाम आपका? राम सक्सेना। आप जिनका तो ये उनका क्या नाम? राम मिलन। आप उनकी कौन है? बेटी है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जन संदेश टाइम्स।